अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू डिजिटल फैसिलिटी चैनल। फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास ज़ैन का सिम है और जब भी उसमें आप बैलेंस रिचार्ज करते हो तो आपका कुछ ना कुछ बैलेंस जो है वो कट जाता है, हालांकि आपने कोई पैकेज एक्टिवेट भी नहीं किया होता। तो इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा कि बैलेंस क्यों कट जाता है और इससे कैसे बचा जाए। तो फ्रेंड, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने प्ले स्टोर में, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, ज़ैन ऐप डाउनलोड करना है, ज़ैन ऐप। तो फ्रेंड, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो इसको डाउनलोड करने के बाद मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, ओपन करने के बाद ये ऐसे होगा अरबिक में, तो आपने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ रजिस्टर्ड, इस पर क्लिक कर देना है। इसको आप रीड कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे टिक मार करके एक्सेप्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फ्रेंड, जब भी आप इसको ओपन करोगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बेशक आपका नेट अच्छा भी हो, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन होने में, ये वाला ऐप। तो फ्रेंड, मेरा ये ऐप ओपन हो गया है। तो सबसे ऊपर में आपने अपना मोबाइल नंबर और नीचे में आपने इकामा नंबर लिख के आपने इसको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड, जब आप इसको सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपको OTP एक कोड आएगा, और वो OTP कोड आपने लगा के नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, उसके बाद आप ये साइड स्क्रीन पर देख रहे हो, इस तरह के इंटरफेस आ जाएगा। ऊपर में आपने अपना यूज़र नेम लिखना है, आप कोई भी यूज़र नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, और नीचे में पासवर्ड लगाना है, कोई भी पासवर्ड आप लगा सकते हो, और उसके नीचे उसको दोबारा से पासवर्ड को लगाना है, और उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। तो फ्रेंड, जब आप इसको सबमिट करोगे तो आपका जो अकाउंट है वो बन जाएगा। तो इसकी कोई भी फीस नहीं है, इसका कोई भी आपका बैलेंस नहीं कटेगा ये अकाउंट बनाने में। तो फ्रेंड, जब आप उसको सबमिट कर दोगे तो इस तरह आपका ये वाला पेज जो है वो ओपन हो जाएगा, आपका जो ज़ैन ऐप में ID है वो बन जाएगा। तो फ्रेंड, इसके लिए आपको करना क्या है बाद में, तो फ्रेंड जब इस तरह के इंटरफेस आ जाए, आप ऊपर में देख सकते हैं लिखा हुआ माई अकाउंट, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये सबसे ऊपर लिखा अकाउंट समरी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप नीचे में ये देख सकते हैं लिखा सब्सक्राइब सर्विस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जितने भी पैकेज आपकी सिम पे एक्टिवेट हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो बहुत सारे पैकेज एक्टिवेट हैं जो हमें पता ही नहीं होता, जैसे ये मेरी सिम पर इस वक्त 2 पैकेज एक्टिवेट हैं, तो जब मैंने बैलेंस किया तो मेरे 5 रियाल कट गए, लेकिन मुझे पता ही नहीं ये पैकेज कब एक्टिवेट हो गई। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपके सारे पैकेज शो हो जाएंगे, तो आप यहाँ से इनको अनसब्सक्राइब कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अनसब्सक्राइब लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं सक्सेसफुली अनसब्सक्राइब हो गया। तो मैं ये दूसरे वाला भी अनसब्सक्राइब कर देता हूँ, क्योंकि ये मुझे पता नहीं किस चीज़ के लगे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे दोनों जो पैकेज हैं वो अनसब्सक्राइब हो गए हैं। तो फिर इसके बाद मैं जब फिर से इसमें आऊँगा तो आपको मैं चेक करवा देता हूँ, अब यहाँ पर ये शो नहीं होंगे क्योंकि आपका ये जो पैकेज है वो ख़त्म हो गए हैं। तो अब जब नेक्स्ट टाइम आप बैलेंस रिचार्ज करोगे तो आपका बैलेंस जो है वो नहीं कटेगा। तो आप जैसे देख सकते हैं नो सब्सक्राइब सर्विस, यदि कि आपका भी कोई भी पैकेज नहीं है तो इसका मतलब कि मेरी सिम पे जो 2 पैकेज लगे थे एक्स्ट्रा वो ख़त्म हो गए हैं। तो फ्रेंड, आप भी इसी तरह अपनी ज़ैन सिम से एक्स्ट्रा पैकेज जो है वो उसको ख़त्म कर सकते हैं। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।